हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 के इस लेक्चर में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक रियल लॉ ऑफ मोशन होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 5, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। इसे जानने के लिए आपको क्लास 9 के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, जिसमें मैंने गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, एरिस्टोटल फॉलेसी, लॉ ऑफ इनर्सिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनके ऊपर जो लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 क्लास 9 के ये तीन वीडियो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उनको जरूर देखिएगा क्योंकि वो इस चैप्टर के बेसिक हैं और उनसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एज रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्सिया और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज इट कंटेन्स बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब इसमें दोनों लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ भी कंटेन होता है इसके अंदर और थर्ड लॉ भी होता है। इट मीन्स बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी हेल्प से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट लॉ प्राप्त करेंगे। तो लिखें एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट कैन बी से? वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर आपको ध्यान होगा फोर्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिराइव किया है, ठीक है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम, ए सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। जब एफ की वैल्यू जीरो होगी तो आप देखिए मास इनटू एक्सिलरेशन जीरो हो जाएगा, और जब एक्सिलरेशन जीरो, यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्सिलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि मास जीरो में चला गया, और एक्सिलरेशन का मतलब आप जानते हैं डीवी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन के फॉर्मूले से रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सिलरेशन। और आप ये भी जानते हैं कि इस वी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यदि जीरो है तो वी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी वी कांस्टेंट होगा, यानी जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स, ये क्या बता रहा है? इट मीन्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर सिस्टम कह सकते हो, ठीक है? इट मीन्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम, देन ऑब्जेक्ट will move with constant velocity
इट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ऑलवेज इट विल बी इन मोशन और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट ऑलवेज इट विल बी इन रेस्ट। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा और यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कौन कहता है ऐसा, किसका स्टेटमेंट है? इट इज नोन एज फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जिसे और क्या नाम देते हो आप? लॉ ऑफ इनर्सिया। तो देखिए, हमने सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्राप्त कर लिया। सिमिलरली वी कैन डिराइव थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली अगेन यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ वी मे राइट, क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था एक टर्म आपने लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में पढ़ी थी, इम्पल्स। इम्पल्स इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इम्पल्स को, एंड इट इज नथिंग बट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी पॉइंट पर बहुत ही कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब लार्ज अमाउंट का फोर्स लगता है तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। और इसे क्या लिखते हैं? एफ इंटू डेल्टा टी लिखते हैं, फोर्स इंटू टाइम लिखते हैं। याद आ रहा है आपको? तो यहां से फोर्स क्या लिखा जाएगा? आई अपॉन डेल्टा टी। फोर्स क्या लिखा जाएगा? आई अपॉन डेल्टा टी। और इम्पल्स का एक डेफिनेशन और मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। आई जो है चेंज इन मोमेंटम है और नीचे डेल्टा टी है। ठीक है, तो डेल्टा पी किसको बता रहा है? मोमेंटम में चेंज को बता रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू, तो यहां पर एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये लिख दिया। चेंज इन मोमेंटम को कौन बताता है? इम्पल्स बताता है, ये हम सब जानते हैं। तो आई की जगह डेल्टा पी मैंने लिख दिया क्योंकि आई को हम चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एफ ये हो जाएगा। अब देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, और ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है। पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब ये आपस में कॉलिजन करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा F12, तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा F21। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो जो यहां पर चेंज इन मोमेंटम होगा, यदि मैं कहूं मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2, मास m2 जो है उसके लिए डेल्टा टी टाइम में, फॉर टाइम डेल्टा टी टाइम में जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम आप कह दो, चेंज इन मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 फॉर टाइम डेल्टा टी कितना होगा? भाई इस ऑब्जेक्ट टू मास, इस सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लीजिए और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p2 हो जाएगा और p2 किसके बराबर हो जाएगा? ये f12 into delta t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f12 into delta t।
हो जाएगा या नहीं भाई? देखो ये एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा टी है। यदि चेंज इन मोमेंटम को मैं पी लिखूं तो पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टू टी हो जाएगा, तो पी की जगह पी टू लिखा, तो पी टू सेकेंड का जो मोमेंटम में चेंज होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कारण लगने वाले फोर्स के कारण होगा, एफ वन टू फोर्स के कारण इस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा। सिमिलरली फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के कारण लगने वाले फोर्स एफ टू वन के कारण होगा, तो क्या लिखा जाएगा? सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 4 टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के लिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट में p1 इज इक्वल टू क्या होगा? f21 इंटू डेल्टा टी होगा। बोलिए भाई ये f21 के कारण फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, तो p1 इज इक्वल टू f21 इंटू डेल्टा टी होगा। अब यहां से हमने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम की यदि मैं बात करूं, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम p बराबर होगा p1 प्लस p2। क्या होगा? p1 प्लस p2 होगा, ठीक है। टोटल चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा p1 प्लस p2 हो जाएगा, और p1 कितना है? f21 डेल्टा t है, और p2 कितना है? f12 डेल्टा t है, ठीक है। और ये p लिख दिया, ये चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख रहे हैं? f इंटू डेल्टा t। टोटल चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं ना भाई? क्यों लिख सकते हैं? मैंने अभी अभी बताया f इज इक्वल टू p अपॉन डेल्टा t, ऐसे लिखा ना, डेल्टा p लिख दो या p लिख दो चेंज इन मोमेंटम को, तो ये लिख दिया, तो p बराबर क्या आ जाएगा? f इंटू डेल्टा t, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा, और ये टाइम तो यही रहेगा, तो f21 डेल्टा t प्लस f12 डेल्टा t ये आ जाएगा। अब डेल्टा t तो थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? f21 प्लस f12 ये आ गया। अब फोर आइसोलेटेड सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, उसके लिए टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम बुड़वी जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उसके ऊपर लगने वाले जो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू एफ टू वन प्लस एफ वन टू ये आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा एफ टू वन इज इक्वल टू माइनस एफ वन टू, ठीक है। तो देखिए जरा ये क्या आ गया फिर, ये वेक्टर क्वांटिटीज ही तो है फोर्स। तो देखिए माइनस साइन तो ये कह रहा है कि ये एक डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड में बराबर है। मैग्नीट्यूड यदि लिखें तो ऐसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, और इसे क्या कहते हैं? दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसे आप लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहते हो। किस नाम से जानते हो? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्राप्त कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है? रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स देखिए, आप सब जानते हैं ऑलरेडी, आपने लेक्चर नंबर 2, 3, 4 जो क्लास 9 के देखे हैं उसमें ये पढ़ा है। इम्पल्स जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज दिस इम्पल्स? इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वेरी लार्ज अमाउंट का जो फोर्स होता है कितने समय के लिए लगता है? फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है, ध्यान रखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जब किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा अमाउंट का फोर्स लगता है, जैसे ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल को इस व्यक्ति ने किक किया, पैर से इसको किक किया, तो इस फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट,
और पैर से जो इस पर फोर्स लगाया वो कितनी देर के लिए लगा, बहुत ही कम समय के लिए लगा। सो फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब हम पैर से इस फुटबॉल पर फोर्स लगाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाते हैं, तो इस फुटबॉल में क्या आता है, मोमेंटम में चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का मतलब है जब किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही कम समय के लिए लार्ज अमाउंट का फोर्स लगता है तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे व्हेन वी किक ए फुटबॉल द किक लास्ट ओनली फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जो किक है वो बहुत ही कम समय के लिए लगती है, सेकेंड्स के लिए लगती है, ठीक है। द फोर्स विच वी अप्लाई ऑन ए फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। दो जो ये फोर्स लग रहा है इसको कौन सा फोर्स कहोगे, इम्पल्सिव फोर्स कहोगे, क्योंकि इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण ही इसके फुटबॉल में क्या आ गया, मोमेंटम में चेंज आया और उसी चेंज इन मोमेंटम को हमने इम्पल्स नाम दे दिया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू, जानते हैं आप, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, और मास इंटू एक्सिलरेशन से फिर ये लिख दिया, फोर्स इज फोर एफ की जगह एफ लिखा, एम की जगह एम, और एक्सिलरेशन क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी किक लगाने से पहले जो वेलोसिटी थी फुटबॉल की वो इनिशियल वेलोसिटी, किक लगाने के बाद जो फुटबॉल की वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी, और जितने समय के लिए किक लगाई है वो टाइम ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। अब टी को इधर ले गए, एफ इंटू टी इज इक्वल टू ये हो गया एम बी माइनस एम यू, एम बी हो गया आपका मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी है ये, एम इंटू यू ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको कह दिया चेंज इन मोमेंटम। क्या कह दिया इसको, चेंज इन मोमेंटम, एफ इंटू टी, ये क्या कहलाया, चेंज इन मोमेंटम कहलाया। और इस एफ इंटू टी को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, जिसे इम्पल्स कहते हैं। जिसे आप एफ इंटू टी लिखो या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, एम को कॉमन ले लो, वी इंटू यू, चेंज इन मोमेंटम। यूनिट क्या हो जाएगा इम्पल्स का, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा यूनिट लिखना चाहो तो मास का किलोग्राम, और ये वेलोसिटी डिफरेंस है तो ये मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, आपके इम्पल्स की। तो इम्पल्स के बारे में भी आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हालांकि ये भी आपने नाइन्थ क्लास में बहुत अच्छे से वीडियोज में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टर्म चेंज करके हम इस इलेवेंथ क्लास में भी इसको समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम, इसके बारे में तो आप जान ही गए, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ए सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू होगा किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। जो टोटल मोमेंटम होगा वो बिफोर कॉलिजन के टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। इट मीन्स टोटल मोमेंटम विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल मोमेंटम क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ये कहलाता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके प्रूफ के लिए, इसको प्रूफ करना है हमें, ठीक है, प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं। एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, ठीक है, जिसका मास मैं मान लेता हूं कि m1 है, या m1 ले लीजिए, और जिसकी वेलोसिटी है मान लीजिए u1 इनिशियल वेलोसिटी, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है, जिसका मास m2 है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और इस ऑब्जेक्ट नंबर 2, और यहां पर ये कंसीडर कर रहा हूं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो सेकंड ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, तो ये सिचुएशन है बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले। अब आप कहेंगे कि कॉलिजन क्यों होगी, कॉलिजन बिल्कुल होगी, क्योंकि पहले की स्पीड ज्यादा है और दूसरे की स्पीड कम है, तो दोनों आपस में टक्कर करेंगे कुछ समय के बाद। तो जब टक्कर करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, देखिए
ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास m1, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आएंगे, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, जब कॉलिजन होगी तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, कितना, F12, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ये सिचुएशन हो गई एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, ये कॉलिजन के समय की सिचुएशन हो गई। जब टक्कर होगी तो ये सिचुएशन हो जाएगी, और टकराने के बाद आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड सिचुएशन में बना रहा हूं, जो पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ठीक है, वो किसी वेलोसिटी v1 से मूव करेगा, पहले वेलोसिटी u1 था टकराने से पहले, अब उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, v1 हो जाएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी बदल जाएगी, और वो भी मान लीजिए v2 वेलोसिटी से मूव करेगा। किस डायरेक्शन में जाएगा ये अभी हमें पता नहीं है, ये आफ्टर कॉलिजन की सिचुएशन है। कॉलिजन के बाद वो किस डायरेक्शन में जाएंगे ये डिस्कशन हम अगले चैप्टर में कॉलिजन्स वाले टॉपिक में करेंगे, लेकिन ये तीन सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखी, पहली बिफोर कॉलिजन ये सिचुएशन है, ये एट द टाइम ऑफ कॉलिजन सिचुएशन है, और ये आफ्टर कॉलिजन सिचुएशन है, ठीक है। तो इसके बाद में, अब इसके बाद में हम बात करें कि क्या होगा, इसके बाद में यदि हम देखें तो कॉलिजन के समय की बात करें, देखिए इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन, यदि मैं यहां पर मोमेंटम लिखना चाहूं तो जो p1 होगा, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, m1 u1 होगा, ये सब आप जानते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो m2 u2 होगा, मास और इस वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है मोमेंटम, ये आप जानते ही है, ठीक है। ये m1 u1 इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m2 u2 हुआ। जब इनकी कॉलिजन होगी तो इनके मोमेंटम में चेंज होगा, यानी ये जो F12 है ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये F12 बराबर हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, F = चेंज इन मोमेंटम, है ना, I = F × t होता है, तो उससे F = चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम आ जाएगा, तो F ये हो जाएगा आपका P2 अपॉन Δt। मान लीजिए ये कितने समय के लिए कॉन्टेक्ट में आते हैं, Δt समय के लिए आते हैं, तो F12 का वैल्यू ये हो जाएगा P2, और F21 का वैल्यू हो जाएगा P1 अपॉन Δt। ये P1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कर रहा है ये फोर्स, और ये P2 क्यों लिया, क्योंकि ये सेकंड ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कर रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब कॉलिजन के बाद क्या होगा, कॉलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो बदल जाएंगे, क्योंकि P1 तो हो जाएगा P1' जो कि किसके बराबर होगा, m1 v1 के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, और इसका सेकंड ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो P2' हो जाएगा, क्योंकि पहले P2 था, P2' हो जाएगा, और ये क्या लिखा जाएगा, m2 into v2 लिखा जाएगा। तो P1' P2' आफ्टर कॉलिजन वाली पोजीशन हो गई, और एट द टाइम ऑफ कॉलिजन ये सिचुएशन हो गई, और बिफोर कॉलिजन ये सिचुएशन हो गई। तो अब क्या होगा, अब हमें सिचुएशन लेके चलनी है एट द टाइम ऑफ कॉलिजन की। सो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन हम यदि बात करें, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कंसीडर करते हुए हम मोमेंटम लिख सकते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या सिचुएशन है, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन वी में राइट क्या लिख सकते हैं, बी में राइट F12 = -F21 लिखा जा सकता है, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 = -F21 लिखा जा सकता है, ठीक है, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 की वैल्यू यहां रखें, और F12 की वैल्यू क्या होगी, F12 की वैल्यू क्या होगी और F21 की वैल्यू क्या होगी, ये बात देख लें तो आपका जो मोमेंटम में चेंज है वो पता लग जाएगा। तो F12 क्या है, F12 इज m1 इंटू आप कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ फर्स्ट ऑब्जेक्ट में, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए ये जो मैंने लिखा है F12, इसको आप डेल्टा लिख लीजिए, यहां पर चेंज इन मोमेंटम को ये बता रहा है, और ये भी चेंज इन मोमेंटम को बता रहा है, डेल्टा P1, ठीक है। तो F12 क्या होगा,
चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही तो होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, एफ वन टू, मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा पी टू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, डेल्टा पी टू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी वन, ये आ जाएगा। अब डेल्टा पी टू का मतलब है सेकेंड ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में कितना चेंज होगा, देखो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम कितना था सेकेंड ऑब्जेक्ट का, एम टू यू टू, और आफ्टर कॉलिजन कितना हो गया, एम टू वी टू, ठीक है, यानी पी टू डैश हो गया और बिफोर कॉलिजन पी टू था। तो डेल्टा पी टू किसके बराबर हो जाएगा, पी टू डैश माइनस पी टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस। और डेल्टा पी वन क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट वन, तो बिफोर कॉलिजन पी वन था और आफ्टर कॉलिजन पी वन डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, पी वन डैश माइनस पी वन हो जाएगा, हो जाएगा यानी। अब इसको सॉल्व कर लें तो पी टू डैश माइनस पी टू इज इक्वल टू माइनस पी वन डैश प्लस पी वन, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पी टू डैश प्लस पी वन डैश इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू पी वन डैश प्लस पी टू डैश। अब बताइए ये पी वन प्लस पी टू क्या है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन पी वन, और पी टू क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन, यानी ये टर्म आपको क्या बता रहा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बता रहा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बता रहा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, पी वन डैश प्लस पी टू डैश, ये टोटल मोमेंटम बता रहा है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन बता रहा है, ये आफ्टर कॉलिजन है टोटल मोमेंटम, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, इसका मतलब प्रूव हो गया क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही तो लिखा था हमने, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, दैट इज लास्ट में लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो यही तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एग्जाम्पल्स क्या है। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है रिकॉइल ऑफ ए गन, ठीक है, गन तो आप जानते ही हैं, बंदूक, ये मान लीजिए गन है, ये गन, ठीक है, इस टाइप से, इसको जब ट्रिगर को दबाओगे तो इससे कौन निकलेगा, बुलेट फायर होगा, बुलेट बाहर आएगा, ये बुलेट बाहर आया, ठीक है, ये ब्लड बाहर आया, तो ब्लड तो इधर जाएगा, ये ब्लड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ब्लड कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जब ये ब्लड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये गन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गन जिस स्पीड से जाता है उसे हम रिकॉयल स्पीड कहते हैं गन की, क्या कहते हैं, रिकॉयल स्पीड कहते हैं। यानी इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है कि देखिए ये सिचुएशन तो तब है जब आपने ट्रिगर दबा दिया, ट्रिगर दबाने से पहले क्या सिचुएशन थी, जब ये ट्रिगर आपने दबा दिया तो ब्लड बाहर आ गया और बंदूक पीछे गया, जिस स्पीड से ब्लड आगे की तरफ गया तो जो गन है बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ स्पीड से आएगा, उसी स्पीड से, उसे हम रिकॉयल स्पीड कहते हैं। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगरिंग बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर ट्रिगरिंग, ठीक है, यानी ट्रिगर दबाने से पहले क्या टोटल मोमेंटम था भाई, जो मास था किसका, गन का, ये गन
का मास और वेलोसिटी ऑफ गन, ये तो मोमेंटम ऑफ गन हो गया, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होगा, इतना होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये बिफोर ट्रिगरिंग है, यानी ट्रिगर को दबाने से पहले की ये सिचुएशन है, इज इक्वल टू ट्रिगर जैसे ही दबाया मास ऑफ गन तो वही रहने वाला है लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगा, वीजी हो जाएगा, ठीक है, प्लस मास ऑफ बुलेट वही रहने वाला है लेकिन उसका वेलोसिटी बदल जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा यानी। अब देखिए ये जो गन है और जो बुलेट है ये तो जीरो है, गन का स्पीड जीरो है ट्रिगर दबाने से पहले और बुलेट का स्पीड भी जीरो है, तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड तो टोटल जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो और ये जीरो तो टोटल जीरो हो गया, तो ये हो गया एम जी और ये आपका वी जी, ठीक है, और प्लस एम वी और वी वी, ठीक है। अब यहां से वी जी निकालो आप तो कितना आ जाएगा, माइनस एम बी अपॉन एम जी, ठीक है, माइनस एम बी वी वी अपॉन एम जी, ये आएगा। और यही वी जी क्या है, रिकॉयल वेलोसिटी है या नहीं, यही वी जी क्या है, रिकॉयल रिकॉयल वेलोसिटी है, रिकॉयल वेलोसिटी किसकी, गन की, गन की, ये नेगेटिव साइन बता रहा है ना कि गन पीछे की तरफ आएगा, ये रिकॉयल वेलोसिटी हो जाएगी। इस तरीके से रिकॉयलिंग ऑफ गन किसका एग्जांपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है, क्योंकि बिफोर ट्रिगरिंग जो मोमेंटम होगा आफ्टर ट्रिगरिंग मोमेंटम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन ए मैन जंप्स फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट, ये स्टेशनरी बोट है, मान लीजिए बोट जैसा बना देता हूं मैं, ये लीजिए ये बोट है, इस पर ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो ये जब व्यक्ति इस बोट से जंप करेगा, स्टेशनरी है, इस बोट की जो स्पीड है बी का मतलब बोट, और बोट की स्पीड जीरो है और बोट का कुछ मास भी है और इस व्यक्ति का भी कुछ मास है, पर्सन पी फॉर पर्सन, और ये इससे जंप करता है, ठीक है, तो जब जंप करेगा, ठीक है, इनिशियली तो ये व्यक्ति जो है ये जो पर्सन है ये बोट पर बैठा हुआ है, लेकिन ये बिफोर जंपिंग की सिचुएशन है, तो मोमेंटम बिफोर जंपिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग, तो यहां भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, जंप कर गया यहां आ गया कौन, व्यक्ति, तो इसकी वेलोसिटी तो कुछ पर्सन की तो वीपी हो जाएगी लेकिन मास तो वही रहेगा पर्सन का, ठीक है, और जो बोट की मास है ये एम भी रहेगा और बोट की जो वेलोसिटी है वो भी कुछ हो जाएगी, बी वी हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए बिफोर बिफोर जंपिंग इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो जीरो रहने वाला है, क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि यू भी जीरो है और यूपी भी जीरो है क्योंकि व्यक्ति भी इसके अंदर है, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम जीरो आएगा, और इधर ये एम बी और वी वी ये तो मोमेंटम हो गया बोट का, ठीक है, और प्लस एम पी वी पी ये मोमेंटम हो गया पर्सन का जंप करने के बाद, तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया आपका ये जो वी वी है, बोट जिस स्पीड से बोट जब व्यक्ति ने इस तरफ जंप किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप किया व्यक्ति ने, तो बोट किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो बी वी जो होगा बोट का जो वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस एम पी अपॉन एम बी इंटू क्या आ जाएगा, वी पी, तो ये रिकॉयल वेलोसिटी हो जाएगी बोट की, इस वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां भी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, व्हेन ए बॉडी एक्सप्लोड्स इनटू टू और मोर पीसेज, जैसे कोई पटाखा पटाखा आप छोड़ते हो, बॉम्ब छोड़ते हो पटाखा, ठीक है, तो वो कई टुकड़ों में बट जाता है, व्हेन ए बॉडी एक्सप्लोड्स इनटू टू और मोर पीसेज द टोटल मोमेंटम ऑफ द पीस इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बिल्कुल जितना टोटल मोमेंटम होगा पीसेज का, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम मान लीजिए पी है और ये एक्सप्लोजन के बाद में दो टुकड़ों में बट गया, तो इस फर्स्ट टुकड़े का और सेकंड टुकड़े का जो टोटल मोमेंटम होगा पी वन प्लस पी टू ये पी के बराबर होगा, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि जो टुकड़ों का जो टोटल ऑफ टोटल मोमेंटम है, ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द पीसेज इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम ऑफ बॉडी पी है तो ये पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू होगा, यानी कॉन्स्टेंट रहेगा टोटल मोमेंटम, कंजर्व रहेगा, तो यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आपको बताए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिक्शन की।
इसलिए मैं फ्रिक्शन की नेक्स्ट क्लास में ही बात करूंगा। अभी आप इसी को जो मैंने अभी पढ़ाया है इसको थोड़ा सा दोबारा से देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बनाइएगा। फ्रिक्शन की हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।